वेलकम बैक एवरीवन इन क्लास थर्ड एंड यू नो वेरी वेल चैप्टर नंबर 9 मोर ऑन डिवीजन इज गोइंग ऑन क्लियर सो टुडे वी विल डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9A सो फर्स्टली सी द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज ए पार्ट 5514 and divided by 6 okay and this is 4 digit number and this is 1 digit number hame kya karna hai 4 digit number ko 1 digit number se divide karna hai to kis type se divide karenge aap dekhenge clear hai okay so see so 5514 beta as it is and divided by 6 aap 6 se divide kar बेटा देखो ये 1 डिजिट है यहां पर 5 सो 5 इज लेस देन 6 5 क्या है 6 से स्मॉल आपकी टेबल 5 के लिए नहीं हो पाएगी तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट टेक कर लेंगे यहां पर देन 54 और 54 में आप 6 की टेबल को रीड कर पाएंगे ओके तो बेटा 6 9 जा 54 6 9 जा 54 यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 54 देन माइनस कर लेना 5 माइनस 4 जस्ट 1 एंड हियर 5 माइनस 5 then we take the next digit and next digit is 1 okay so ye kya ho gaya aapke paas 11 aur 11 mein aap 6 ki table ko read kar payenge 6 1 ja 6 okay so here 1 and here 6 then minus 1 se to aap minus nahi kar payenge 6 ko so ye here 11 so 11 minus 6 just 5 and we take next digit 4 clear so beta you know very well 6 9 ja 54 6 9 mein kitna beta 54 और बेटा 54 से अगर आप 54 माइनस करते हैं देन 0 सो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया आपका 919 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इस पार्ट के लिए बेटा इसी टाइप से आप इसी में सी पार्ट नोट करेंगे एंड सी पार्ट इज 2181 एंड डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 क्लियर तो ये क्या है आपके पास 2181 दिस इज 4 डिजिट नंबर सेम है 1 डिजिट नंबर से आपको डिवाइड करना है क्लियर है सो आप इस टाइप से लिख लेंगे 2181 एंड डिवाइडेड बाय 3 तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि सर यहां पर 2 इज लेस देन 3 2 क्या है 3 से स्मॉल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में हम 3 की टेबल रीड नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे यहां पर 2 डिजिट्स को टेक करेंगे ओके तो बेटा 37 जा 20 37 जा 21 क्लियर बेटा नाउ 1 माइनस 1 जस्ट 0 एंड 2 माइनस 2 जस्ट 0 एंड वी टेक नेक्स्ट डिजिट एंड नेक्स्ट डिजिट इज 8 नेक्स्ट डिजिट इज 8 ओके सो बेटा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8 सो 3 2 जा 6 जो हमारी टेबल है वो 2 टाइम्स रीड करेंगे हम 3 2 जा 6 ओके बेटा 8 से अगर आप 6 माइनस करते हैं सो हियर 2 we take next digit 1 next digit 1 and you know very well 37 ja 21 37 ja 21 and 21 minus 21 just 0 so aapka jo required answer hai wo aa gaya aapka 727 question kya aa gaya aapka 727 fir se dekhne beta dekho 37 ja 21 32 ja 6 37 ja again 21 clear beta okay So now after this is the next question, question number 10. A part is 4216 and divided by 6. Similarly, C part is 8181 and divided by 9. Topic same hai beta. Today topic is divide. Okay. So this is 4 digit number and divided by 1 digit number. Clear beta? So 4216 and divided by 6. Beta dekho fir se. 4 is less than 6. So hum kya karenge? Yahan pe 2 digits ko take karenge.
और टू डिजिट में क्या करेंगे आप टेबल रीड करेंगे तो बेटा 6 7 42 बेटा 2 से आप 2 माइनस कर लेना है जीरो ओके एंड हियर 4 माइनस 4 जीरो एंड वी टेक नेट डिजिट एंड नेट डिजिट इज 1 एंड 1 इज लेस देन 6 1 क्या है 6 से स्मॉल है और जब 6 से स्मॉल है तो आपको एक सी अगर डिजिट टेक करनी होगी नेट डिजिट कॉपी करेंगे और आपने नेट डिजिट कॉपी किए तो यहां पर क्या करेंगे आप जीरो टेक क्लियर नेट 6 2 जा 12 6 2 जा 12 बेटा 6 माइनस 2 जस्ट 4 एंड 1 माइनस 1 जस्ट 0 आपको ये क्या है 4 दिस इज अ रिमाइंडर 4 क्या है रिमाइंडर एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट फिर से समझ लेना बेटा एक बार देखो 6 7 जा 42 2 माइनस 2 0 एंड 4 माइनस 4 0 एंड वी टेक नेट डिजिट 1 सो बेटा 1 इज लेस देन 6 सेकंड डिजिट कॉपी करनी होगी तो यहां पे आप 0 टेक करेंगे ओके एंड 6 2 जा 12 तो बेटा 6 से अगर आप 2 माइनस करते हैं 4 होता है 4 इज अ रिमाइंडर 4 ही क्या आपका रिमाइंडर है क्लियर है नाउ सी पार 8181 ओके सो एज इट कॉपी करें बेटा आपको किस नंबर से डिवाइड करना है 9 बेटा देखो 8 इज लेस देन 9 तो क्या करेंगे आप दोनों डिजिट में डिवाइड करेंगे 9 के लिए तो 9 9 का 81 9 9 का 81 क्लियर है सो 1 माइनस 1 जस्ट 0 एंड 8 माइनस 8 जस्ट 0 एंड वी टेक 9 इज 8 क्लियर सो 8 इज आल्सो लेस देन 9 8 क्या है 9 से स्मॉल नंबर है स्मॉल है तो आपको सेकंड डिजिट चाहिए सेकंड डिजिट कॉपी करेंगे आप तो यहां पर क्या करेंगे आप 0 टेक करेंगे क्या करेंगे 0 टेक करेंगे क्लियर सो 9 9 जा 81 9 9 जा 81 क्लियर बेटा सो 1 माइनस 1 0 एंड 8 माइनस 8 0 क्लियर बेटा सो एवरीवन डन इट बेटा सो नाउ आफ्टर दिस सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो बेटा ए पार्ट 90 डिवाइडेड बाय 5 एंड सी पार्ट इज 75 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय ओके तो बेटा देखो 90 दिस इज टू डिजिट नंबर एंड दिस इज 1 तो टू डिजिट नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ 1 डिजिट नंबर से ओके बेटा 9 आप एज इट इज कॉपी करें देन 5 गिव बेटा देखो 9 इज ग्रेटर देन 5 7 क्या हुआ 9 में हमारी 5 में चली जाएगी एंड यू नो व्हाई गाइस 5 इज 5 इन 5 टू जा 10 सो 10 इज ग्रेटर देन 9 10 क्या है ग्रेटर है वाला तो जो हमारी टेबल जाएगी वो जस्ट 1 टाइम रीड करेंगे हम और बेटा 5 बन जा 5 ओके 5 बन जा 5 बेटा 9 माइनस 5 जस्ट 4 एंड वी टेक नेट डिजिट 0 एंड यू नो व्हाई गाइस 5 इज 14 5 इज बेटा 14 0 माइनस 0 0 एंड 4 माइनस 4 0 मीन 40 40 माइनस 40 0 सो आपका जो आंसर है वो आ गया कितना 18 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर क्लियर बेटा सिमिलरली नेक्स्ट सी पार्ट में हम लोग यहां पे 75 डिवाइडेड बाय 4 75 को आप एज इट कॉपी करें देन किस से डिवाइड करना है आप 4 से ओके सो बेटा आप नोटिस कर रहे हैं कि सर 7 इज ग्रेटर देन 4 तो हर टेबल चली जाएगी 4 बन जा 4 4 बन जा बेटा 4 ओके बेटा आप 7 से 4 माइनस करते हैं तो जस्ट कितना आएगा 3 आएगा देन वी टेक नेट डिजिट 5 ओके एंड 4 8 जा 32 4 8 जा 32 सो बेटा देखो यहां पर 5 माइनस 2 जस्ट 3 एंड हियर 3 माइनस 3 0 सो 3 क्या है आपका रिमाइंडर है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन क्लियर बेटा बोथ पार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा 12 12 a part is 608 and divided by 4 and c part is 857 and divided by 5 okay so this is 608 so
608 as it is and divided by 608 is 3 digit number and 4 is 1 digit number. Okay, so 3 digit number divided by 1 digit number, ye hai math. Dekhiye beta, 6 is greater than 4. 6 kya hai? 4 se greater number hai. To aap kya karenge? 4 ban ja 4. 4 ban ja 4 because 4 to 8, 8 is greater than 6. So 4 ban ja 4. Beta, aap agar 6 se 4 minus kar rahe hain, just 2, and we take next digit. नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 0 है. 4 5 सा 20. 4 5 सा बेटा 20 और 20 माइनस 20 जस्ट 0 एंड देन वी टेक नेक्स्ट डिजिट 8. नेक्स्ट डिजिट 8. ओके, 4 बन जा 4 एंड 4 2 सा 8. 4 2 सा बेटा 8. सो हियर वी टेक 8 एंड 8 माइनस 8 जस्ट 0. एवरीवन क्लियर? नाउ सी पार्ट. एंड सी पार्ट इज 857 and divided by 5. 857 and divided by 5. So, beta, 857 as it is and divided by 5. 5 से क्या करना है आप? Divide कर रहे हैं. तो बेटा देखो, 8 is greater than 5. 8 जो number है हमारा, वो 5 से greater है. So, बेटा आप 5 के लिए 8 में read कर सकते हैं. 5 बन जा 5. 5 बन जा बेटा 5. Okay? So, बेटा 8 minus 5 just 3. Then we take next digit 5. Next digit 5. And you know very well, 5 7 is 35 beta. 5 7 is 35. So 5 minus 5 just 0 and 3 minus 3 just 0. Then we take next, next is 7. And you know very well, 5 is 5. 5 is 5. Aur agar aap beta 7 se 5 ko minus karte hain to remaining kitna rahega? 2. And 2 is remainder. 2 kya aayega? Remainder. This is the required solution. Clear beta? Now see the next question, question number 13. So first part में बेटा देखो, 854 is 3 digit number and 2 is 1 digit number. So आप क्या कर रहे हैं? 3 digit number को 1 digit number से divide कर रहे हैं. Clear बेटा? So see, कैसे करेंगे? बेटा 854 as it is and then divided by 2. Clear? This is 8 and you know very well, 2 4s are 8. 2 4s are 8. 8 minus 8 is just 3. Then next 5 and 2 2s are 4 and 5 minus 4 just 1. Then we take next digit 4 and you know very well, 4 7s are 14. 4 7s are 14 and 14 minus 14 just 3. Clear? फिर से रिवाइज करते हैं बेटा एक बार. 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 0, then we take next 5, फिर क्या किया हमने 5 को कॉपी किया, then 2 2 जा 4, 5 माइनस 2 just 1, then we take next digit 4, and 2 7 जा 14, and 14 माइनस 14 just, clear? Now see, see part में, 418 and divided by 4, 418 को divide कर रहे हैं किससे? 4 से. बेटा देखो 4 है यार एंड हियर आल्सो 4. सो 4 बन जा 4. 4 बन जा बेटा 4. क्लियर बेटा? 4 से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जस्ट 0 देन नेक्स्ट डिजिट 1. नेक्स्ट डिजिट 1 बेटा, 1 इज लेस देन 4. 1 इज लेस देन 4, सो वी टेक नेक्स्ट डिजिट आल्सो 88. सो हियर 0 एंड 4 4 जा 16. 4 4 जा 16 and 8 minus 6 just 2 and 1 minus 1 just 0 and 2 is a remainder. 2 is a remainder. Clear beta? Now see the next question, question number 14. A part में
469 and divided by 7 and C part is 540 and divided by 6. So बेटा जो A part है हमारा 469 is 3 digit number and 7 is 1 digit number. तो हमें क्या करना है, 3 digit numbers को 1 digit number से आप divide करेंगे. So कैसे करेंगे बेटा, सर कैसे कर रहे हैं, 469 as it is and divided by 7 से divide करते हैं. क्लियर बेटा, 4 is less than 7. 4 जो हमारा नंबर है वो क्या है, 7 से less than है digit. So हम क्या करेंगे, 2 digits को take करेंगे बेटा. So 46 and you know very well 7 6 are 42. क्लियर बेटा, मैं माइनस करते हैं, देखो 6 माइनस 2 जस्ट 4 एंड 4 माइनस 4 जस्ट एंड वी टेक नेक्स्ट डिजिट और नेक्स्ट डिजिट इज 49. सो बेटा 7 7 7 7 2 14 7 2 21 7 4 35 7 6 49 7 7 49 और 49 से अगर आप 49 माइनस करते हैं तो 0. तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 67. क्लियर. नाउ सी पार्ट देखेगा क्या लिखा है, 540 एंड डिवाइडेड बाय 6. सो 540 एंड डिवाइडेड बाय 6, सो 540 बेटा एज इट इज, और किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 6 के साथ. किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 6 के साथ. सो 5 इज लेस देन 6. 5 जो नंबर है वो क्या है, स्मॉल है 6 से. एंड वी टेक 2 डिजिट. अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स में टेबल रीड करेंगे. सो बेटा 6 9 54. क्लियर है बेटा, 4 माइनस 4 जस्ट 0 एंड 5 माइनस 5 जस्ट 0. क्लियर बेटा, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 0. और 0 में क्या टाइप करेंगे, बस 600. इस टाइप से लिख सकते हैं 600. क्लियर बेटा, सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 9. योर रिक्वायर्ड आंसर इज 9. सो एवरीवन क्लियर, गुड. सो नाउ बेटा आफ्टर दिस सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में ए पार्ट क्या है आपका, 7348 एंड दिस इज ए 4 डिजिट नंबर. सो डिवाइडेड बाय 1 डिजिट नंबर मींस 4 से आपको डिवाइड करना है. क्लियर है, एज इट इज सी पार्ट में 8165 को डिवाइड कर रहे हैं आप 8 के साथ, और जो 8165 है वो आपका 4 डिजिट नंबर है. तो सेम है दोनों. सो कैसे कर रहे हैं बेटा देखें आप. So 7348 and divided by 4. बेटा 4 1 4 and 7 minus 4 just 3. 7 minus 4 just 3 and next digit is 3. So बेटा 4 8 32 and 3 minus 2 just 1 and we take next digit 4. 4 3 12. बेटा 4 माइनस 2 जस्ट 2 एंड 1 माइनस 1 जस्ट 3. वी टेक नेक्स्ट डिजिट 8 एंड यू नो वेरी वेल 4 7 28. सो 28 माइनस 28 जस्ट 0 मींस योर रिक्वायर्ड आंसर इज 1837. क्लियर. सिमिलरली सी पार्ट में लिखा, दिस इज 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 1 डिजिट नंबर. सो बेटा 8165 एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय 8. 8 से आप डिवाइड करो. ओके, सो 8 वन जा 8, 8 वन जा बेटा 8. बेटा 8 माइनस 8 जस्ट 0 एंड वी टेक नेक्स्ट डिजिट 1 एंड यू नो वेरी वेल 1 इज लेस देन 8. 1 क्या है, 8 से छोटा है तो टेबल नहीं जाएगी. बेटा यहां पर 0 टेक करेंगे देन वी टेक 6. ओके, सो यहां पे क्या हो गया, 16.
एंड यू नो वेरी वेल 8 to the 16 क्लियर बेटा. देन वी टेक 95 बिकॉज़ 16 माइनस 16 जस्ट 0 16 माइनस 16 जस्ट 0 एंड यू नो वेरी वेल 5 इज लेस देन 8 5 इज लेस देन 8 सो बेटा 5 भी टेक हम 8 में रीड नहीं कर पाएंगे इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे 0 टेक करेंगे और दिस इज ए रिमाइंडर 5 क्या रहेगा बेटा रिमाइंडर रहेगा. Everyone understood? So that's it for today, beta. Have a nice day. Thank you, everyone.